तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में सीखा था रिव्यूज़ के बारे में कि रिव्यूज़ क्या होता है। आज की इस टाइम के अंदर आपको रिव्यूज़ के अंदर आपको मैंने आपको बताया था कमेंट किस तरह से देनी है, ओके, और किस तरह से आपको ये प्रोडक्ट करना होता है यहाँ पर, ओके। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, ओके। तो यहाँ पर मैंने समझाया था, ओके। तो इस आज वीडियो के अंदर मैं आपको व्यू के बारे में सिखाने वाला हूँ और पावर पॉइंट के बारे में सिखा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कुछ पहले बहुत वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर ब्लैंक के अंदर, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट 2016 के अंदर या 2007 के अंदर, तो कोई भी हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा वीडियो देखिए, उसको समझ लीजिए और इसको आप पढ़ें। इंसर्ट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, लेआउट क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, मेलिंग क्या होता है, रिव्यूज़ क्या होता है, व्यूज़ क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर रिव्यूज़ के बारे में मैंने बताया था, ओके। लेकिन इसका व्यूज और इसका व्यूज थोड़ा सा चेंज नहीं है यहाँ पर, ओके। उसका रिव्यू जो है, ओके, ये जो इसका रिव्यू जो है, इसके अंदर देख सकते हो कुछ ऑप्शन इस तरह से मिल जाएंगे आपको। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर थोड़ा सा रिव्यूज जो है चेंजिंग है यहाँ पर, ओके। इसके अंदर ट्रांसलेट दिया है, इसके अंदर लैंग्वेज करके दिया है यहाँ पर, कुछ सीट वर्क दिए यहाँ पर शेयर करने की भी कुछ, लेकिन यहाँ पर सीट वर्क नहीं दिया गया क्योंकि ये सीट के ऊपर काम करता है मार्क, ओके। यहाँ पर मार्क जो हमारे मार्क्स होते हैं यहाँ पर इस तरह से शेयर किए, तो वो यहाँ पर इस तरह डिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यहाँ पर देख इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट कॉम ट्रैक चेंजेस वगैरह भी यहाँ पर होते हैं यहाँ पर। तो इन सभी की वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तो तभी आपको ये पता चलेगा वरना आपको पता नहीं चलेगा, ओके। तो हम चाहते हैं कि हमारे इंसर्ट डिज़ाइन लेआउट क्या है, रेफरेंसेस क्या है, मेलिंग्स क्या है, रिव्यूज़ क्या है, व्यूज़ क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो आप मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो पहले ही बना कर रखी हुई है, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ना स्टार्ट करेगी, ओके। उसके बाद ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो पार्ट वन देखना वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा, ओके। तो बार बार वीडियो को वॉच कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं एक्सेल के अंदर व्यूज़ के बारे में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने व्यूज का एक टैब लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मल लिखा है, मतलब ये जो है हमारा नॉर्मल है।
पेज का ब्रेक करना है, उसको ब्रेक व्यू ले जाना है यहाँ पर, मतलब उसको ब्रेक कर देना है। तो इसको ब्रेक किस तरह से करना है, जैसे कि पेज वन और पेज टू, ओके ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, मुझे बता भी रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है, नहीं तो भी पेज का लेआउट पेज की तरह दिखा देना चाहिए, तो वो भी आप इस तरह से दे सकते हो। व्यूज का मतलब किस तरह से आपको देखना चाहते हो, वो कस्टम व्यूज अपनी तरीके से सेटअप कर सकते हो। ओके ऐड करना है आपको, नेम देना है, जैसे कि मैं SS करके रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से कस्टम व्यू कर सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल ही रखूँगा। ओके रूलर तो यहाँ पर फिक्स होता है यहाँ पर, ओके क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। ग्रिड लाइंस आप रख सकते हो अपने तरीके से, निकालना तो निकाल सकते हो। फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार होता है यहाँ पर, ओके तो ये फॉर्मूला बार हो यहाँ पर होता है, ओके इसको फॉर्मूला बार कहते हैं यहाँ पर इसको। ओके तो अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा होगा तो इस फॉर्मूला बार में बताएगा यहाँ पर। ओके ये फॉर्मूला बार है। इंसर्ट फंक्शन में कोई फंक्शन ऐड करना है, इसको इंटर कर सकते हो आप अपने तरीके से। ओके फिर जूम करना, तो जूम कर सकते हो, कितना परसेंट जूम करना है जूम कर सकते हो, 100% रखोगे तो 100% बताएगा। जूम टू सेलेक्शन, अपने तरीके से आप सिलेक्शन जो करते हैं उसी तरह से आपको जूम दिखाई देगा, जूमिंग ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो 100% रहना चाहता हूँ यहाँ पर। न्यू विंडो मतलब ये विंडो तो है, ओके मुझे कोई और न्यू विंडो चाहिए, तो न्यू विंडो दूसरी भी हो जाएगी, जैसे तो यह पहली और ये दूसरी हो गई, एज इट इज सेम कॉपी। ओके तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑल अरेंज, अरेंज ऑल तो आप क्या अरेंज करना चाहते हो, ओरिजेंटल वर्टिकल कैप्स पे, तो वर्टिकल में करता हूँ यहाँ पर, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, अरेंज का हो जाएगा, वर्टिकल के सिस्टम के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके इस तरह से ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह से मुझे बताएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको फ्रिज पेंस होता है, यहाँ पर फ्रिज पेंस क्या होता है कि कुछ रो कॉलम्स जो होती है, कुछ जब हम टेस्ट उसको वर्कशीट में रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ करेक्ट सिलेक्शन जो होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसे किया, फ्रिज पेन पर क्लिक किया, ओके तो इसका चेंजिंग हो जाएगा यहाँ पर, इसको फ्रिज पेन होता है यहाँ पर। इसका जितना स्प्लिट, ओके इसको कट कर सकते हो, बीच में से निकाल सकते हो, इसको को हाइड करना, हाइड भी कर सकते हो यहाँ पर, और अनहाइड करोगे तो अनहाइड भी हो जाएगा। ये साइड बाय साइड वगैरह जो हमने दो स्मार्ट सीट लिए या फिर दो सीट लिए, इसके लिए अभी इसको मैं बात बात करूँगा। अगर मैं इसको न्यू फाइल के अंदर बताऊँ, नए कुछ टेम्पलेट्स के बारे में, जैसे कि ब्लड प्रेशर ट्रैक वगैरह, जैसे तो ये कुछ है, तो भी स्लाइड बाय स्लाइड करना चाहते हो, जैसे तो भी यहाँ पर दूसरी विंडो है यहाँ पर, इसके लिए चीज होती है यहाँ पर। ओके फिर आप जैसे कि उसकी स्विच विंडो, मतलब बहुत सारी अपने फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, अभी तो दो फाइल ओपन की है, मतलब बहुत सारी फाइल्स है, तो उस फाइल तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ से बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप आओ, अपना नाम सेलेक्ट करो, जैसे कि मुझे ब्लड प्रेशर वाला फाइल को ओपन नहीं जाना है, तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा, जैसे तो यहाँ पर मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके फिर मैक्रोस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैक्रोस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज लोग ही मैक्रोस बनाते हैं यहाँ पर, और उसको मैक्रोस को रिकॉल करते हैं, किस तरह से होता है वो मैं समझाऊंगा। उसके बाद है पावर पॉइंट। ओके तो कोई डेटा जो है हम इसको
अरेंज करवाना है, मैनेज करना है, तो ये चीज़ नई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है। मैनेज पर क्लिक करूँगा सबको सेलेक्ट करके मैं, थोड़ा सा ये चीज़ अब ऑन हो रही है, आप देख सकते हो। डेटाबेस के थ्रू आपको निकालना है एसक्यूएल फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम एनालाइज, तो ये कुछ डेटा सर्विस की तरफ से निकालना है इसको, डेटा को कुछ एक्सिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसके लिए निकालना है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ये सीखने के लिए। ओके, फिर मेजर कर सकते हैं आप, न्यू मेजर रखना चाहते हैं या मैनेज मेजर रखता है आप, तो अभी तो कुछ हम मॉडल एंटर करेंगे तब ये पता चलेगा आपको। अभी एम्प्टी है, केपीएल्स कुछ होते हैं यहाँ पर, जब हम मॉडल एंटर करेंगे तब एड टू डेटा मॉडल देख सकते हो, क्योंकि डेटा मॉडल अब हमें एंटर करना पड़ेगा। तो अभी जब मैं मॉडल पढ़ाऊँगा तब सभी चीज़ों का पता चलेगा। डिटेक्ट करना है तो उस मॉडल को आप डिटेक्ट कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो कि रेगुलर प्रोवाइड यूज़र वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको व्यू के बारे में पता चलेगा, पावर पावर के बारे में पता चल गया आपको, विंडोज 7 के अंदर नहीं होगा, विंडोज एमएस ऑफिस 7 के अंदर नहीं होगा पावर पावर। ओके, होम के अंदर किस तरह से आपको एंटर करना है ये चीज़ें और किस तरह सेटअप करना है ये चीज़ें आपको बताया यहाँ पर। ओके, तो हम ये वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं और हम कम्प्लीटली बेसिक स्टार्ट से थोड़ा सा और हम ऊपर निकलेंगे, तो फॉर्मेट एंड स्टेबल के बारे में पढ़ेंगे पहले। ओके, और उससे पहले हम कुछ अच्छा डेटा एंटर करेंगे। ओके, जिससे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक है, मैंने आपको समझाया, डेटा है हमारा। ओके, तो बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, सेल की स्टाइल हम देखेंगे। ओके, क्योंकि हमारी जो सेल है यहाँ पर हम जो, और ये सेल एक्टिव कौन से नंबर पर है, कौन से पोजीशन पर है, M70, M मतलब M का कॉल्यूम है और 70 वाली लाइन है, इसलिए M70 बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर पर रखता हूँ तो यहाँ पर इसको A1, A2, A3, A4 आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, इससे 5 पहले की वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम जो पढ़ने वाले थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क की भी वीडियो है, प्ले लिस्ट है, आप उसको भी जाकर विजिट करिए और ध्यान से देखिए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी कॉमेंट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है, हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है, साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो
तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।